मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलीगल बॉलिंग एक्शन या फिर चेकिंग क्या होता है, और मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका भी एक्शन इलीगल है, आपका भी हाथ चेक कर रहा है, तो उसे आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट में किसी भी चीज को सुधारने के लिए सबसे बेसिक और सबसे पहली जो ड्रिल हमें करनी चाहिए वो है शैडो ड्रिल। उसी तरीके से चेकिंग को अगर आपको सुधारना है तो आपका जो पहला जो बेसिक ड्रिल होगी वो होगी शैडो प्रैक्टिस, बॉलिंग की शैडो प्रैक्टिस। अब बॉलिंग की शैडो प्रैक्टिस करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप उसको सही से कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है बहुत सारे बॉलर्स को मैंने देखा है कि बहुत सारे बॉलर जो यंग बॉलर्स हैं वो अपना चेस्ट जो है वो ओपन करके बैट्समैन की तरफ ओपन करके बॉल को फेंकते हैं। अब चेस्ट ओपन करके फेंकने में जो दिक्कत आती है, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है, वो ये है कि जब आप चेस्ट ओपन करके बॉल को फेंकते हैं तो आपका हाथ जो है वो बॉडी से दूर रहता है, और इस हाथ को आप जब बॉडी के क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एल्बो जो है वो बेंड हो जाता है और बॉल रिलीज करते टाइम आपका एल्बो सीधा हो जाता है, जो कि क्रिकेट में अलाउड नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था क्योंकि कंसिडर किया जाता है चेकिंग के केस में। तो इसको सही करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी हमेशा साइडवेज रहे, आपके शोल्डर क्लोज रहे, और उसके बाद आपको शैडो प्रैक्टिस जो है करनी है। जब आप शैडो प्रैक्टिस करेंगे तो बॉल को जब आप रिलीज करने वाले होंगे तब आपके शोल्डर जो है खुलेंगे, उससे पहले आपके शोल्डर नहीं खुलेंगे। हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप बॉल की शैडो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने शोल्डर क्लोज रखने हैं, बॉडी साइडवेज रखनी है। इस तरीके से आपको शैडो प्रैक्टिस करनी है। मेरी सेकेंड ड्रिल के लिए मैंने थेराबैंड का यूज किया है। मैंने इस थेराबैंड को अपने घर की विंडो से बांध दिया है। आप अपने घर के किसी मेंबर से बोल सकते हैं कि थेराबैंड का एक साइड पकड़ देते हो, आपके बैक साइड पे खड़ा हो जाए, या आप किसी तरीके से किसी विंडो से अपने थेराबैंड को बांध सकते हैं। इससे में आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपना जो एक्शन है जिसे आप शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी हाफ शैडो प्रैक्टिस करना है, आपको अपना हाफ एक्शन परफॉर्म करना है। आइए देखते हैं कैसे। आपको इस तरीके से खड़ा होना है साइडवेज, आपको एक हाथ से थेराबैंड पकड़ना है और फिर उसके बाद आपको अपना हाफ एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। अब हाफ एक्शन मतलब आपका जो शोल्डर लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर ये आपको परफॉर्म करना है। और हाफ एक्शन परफॉर्म करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एल्बो है वो बेंड ना हो, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स आपको लगेगा इस थेराबैंड को खींचने में, जिससे कि आपका जो एल्बो है वो ऑब्वियसली मुड़ेगा, लेकिन आपको इसे कंट्रोल करना है। अगर आपने इसे कंट्रोल कर दिया इसका मतलब जब आप बॉल फेंकेंगे तब भी आपका एल्बो नहीं मुड़ेगा। इससे आपको दो चीजों का फायदा होगा, एक आपका जो एक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, प्लस दूसरा आपका जो शोल्डर की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो अब बात करते हैं मेरी तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट ड्रिल की। इसके लिए आपको अपने बेड पर एक पिलो इस तरीके से रख लेना है और उसके बाद अपने हाथ में क्रीज बॉल रखेंगे, उसके बाद आपको इस तरीके से पिलो के सामने बैठ जाना है और साइडवेज एंगल से साइडवेज अपना जो शैडो आपने करी है उसी शैडो के थ्रू आपको अपनी बॉल जो है वो पिलो पर मारनी है, पिलो पर फेंकनी है इस तरीके से। और इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो ये थी कुछ ड्रिल्स जो आपको अपना एक्शन इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जो इंडिया के व्यूअर्स हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप लोग कभी मिस ना करें। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा अपने बहुत ही अच्छे दोस्त से जो कि BCCI से सर्टिफाइड एक कोच है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग।